क्या आप काइन मास्टर को पीसी या लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक आसान स्टेप को फॉलो करके आप काइन मास्टर को पीसी या लैपटॉप में चला सकते हैं। दोस्तों, काइन मास्टर एक पॉपुलर वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसे लोग आमतौर पर मोबाइल पर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि काइन मास्टर को हम पीसी या लैपटॉप पर भी चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप काइन मास्टर को लैपटॉप या पीसी में चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप या पीसी में एक एंड्रॉयड एमुलेटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए एंड्रॉयड एमुलेटर को सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लूस्टैक। ब्लूस्टैक सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आपको यहाँ पे ये दिखेगी, उसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा डाउनलोड ब्लूस्टैक 10। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 913 KB की एक फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो इसे मैं ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ब्लूस्टैक यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए, आई एग्री का बटन आ रहा है, तो इसे भी क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। आपके नेट के स्पीड पर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम ये लगेगा इसे डाउनलोड होने में। तो यहाँ पे देखिए, 95% ये हो चुका है, 99% हो गया है और ये पूरा कंप्लीट हो गया 100% डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे देखिए, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक कर रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पॉज योर पीसी एंटीवायरस इफ़ इट इज़ इंटरफेयरिंग विद द इंस्टॉलेशन। अगर आपके पीसी में कोई एंटीवायरस है तो उसे आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं, अगर आपके इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं करना है। तो ब्लूस्टैक यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, वेलकम टू द फास्टेस्ट लाइटेस्ट ऐप प्लेयर। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, इंजॉय एक्सक्लूसिव टाइटल एंड स्पेशल ऑफर्स, नेक्स्ट। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये गूगल प्ले स्टोर दिख रहा है, इसमें आपको सर्च करना है काइन मास्टर। यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको। यहाँ तो यहाँ पे देखिए, काइन मास्टर यहाँ पे दिख गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, काइन मास्टर वीडियो एडिटर यहाँ पे आ गया हमारे सामने। इंस्टॉल फ्रॉम गूगल प्ले, इस बटन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल फ्रॉम गूगल प्ले, हमें यहाँ पे इसे क्लिक करना है और गूगल प्ले पे हमें ये रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले पे लॉगिन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये साइनिंग करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम साइनिंग कर लेते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर पे। ये सेम वैसे ही है जैसे आप अपने फ़ोन में लॉगिन करते हैं गूगल प्ले स्टोर पे अपनी ईमेल आईडी से, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा, तभी आप प्ले स्टोर से काइन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जीमेल ईमेल आईडी से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, प्ले स्टोर ओपन होगा। काइन मास्टर यहाँ पे हमें प्ले स्टोर पे दिख रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये काइन मास्टर हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, काइन मास्टर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारे सामने दो बटन दिख रहा है, अनइंस्टॉल और ओपन। तो यहाँ पे हम ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। तो इसे हम फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये साइड में कुछ एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए मेकिंग शॉर्ट ये कुछ आ रहा है, इसे हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने है क्रिएट न्यू। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि किस साइज़ में आपको वीडियो बनाना है। डायमेंशन आएगा यहाँ से, आपको अगर लॉन्ग वीडियो बनाना है तो ये सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट के लिए ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इससे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे कुछ भी आप नाम डाल देंगे प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर मैं टेस्ट प्रोजेक्ट डाल देता हूँ और क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। अलाउ काइन मास्टर टू एक्सेस फोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पर हमें इसे अलाउ कर देना है। उसके बाद ये हमारा एडिटिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई फ़ाइल वगैरह नहीं आ रही, हमारी कोई फ़ाइल यहाँ पे नहीं है। अगर हम कोई फ़ाइल ऑल मीडिया पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं। ये जो डिफ़ॉल्ट एसेट्स वगैरह हैं वो हैं, बट हमें अगर अपने सिस्टम से कोई फ़ाइल लेनी है तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर वीडियो पे जाते हैं तो भी ये खाली आएगा, ये सारा कुछ खाली मिलेगा आपको। उसके लिए एक सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए होम का आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये होम पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिस्टम ऐप्स दिखेंगे, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग का जो आइकन यहाँ दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है इम्पोर्ट विंडोज फाइल्स। यहाँ पे विंडोज से हमें फाइल इम्पोर्ट करना पड़ेगा उसे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे इम्पोर्ट फ्रॉम विंडोज, हमें अपने विंडोज से फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तब ये यहाँ पे ये शो होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये इमेजेस मेरे पास आ गई। अगर अब मैं वापस जाता हूँ होम पे, अब यहाँ होम पे आने के बाद यहाँ पे हम काइनमास्टर को ओपन करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अब नया प्रोजेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं टेस्ट, और यहाँ पे डायमेंशन ये 16:9 सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास ये शेयर्ड फोल्डर आ रहा है, जो हमने यहाँ पे इमेजेस ऐड करी है वो इमेजेस अब यहाँ पे हमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी इमेज वीडियो अपने कंप्यूटर से लेना है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको अपने कंप्यूटर से, विंडोज़ से आपको अपने फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।